उस दिन मैंने दिल से डिसाइड किया छः सात महीने हो चुके थे मैंने कर नहीं अब नहीं आती मैं इस घर में वापस मैंने अपना समय शादी की जी फिर एक फेज आया कि डाइवोर्स हुई इसको खुले क्या हुआ वजह क्या थी ये दूसरा बंदा था सेकंड एक से ये पहली शादी थी आपकी क्या वजह थी आ... अच्छा सवाल है होता ये है नादिर आ, जब आप किसी से शादी करते हैं देट मीन्स के आप उसको फुल्ली ओन करते हैं ठीक है? है अच्छा आ, अच्छा ये होता है पॉलिटिक्स हो या शादी हो आ, जब तक कुछ लाइक जब तक लोग लीडर नहीं मनते तब तक और होते हैं जब तक शोहर नहीं या बीवी नहीं मनते तब तक और होते हैं ह्यूमन नेचर है मतलब ये कॉमन है ठीक है आ, तो हुआ ये कि मुझे मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी नादिर क्योंकि मैं सबकी इज्जत करती हूँ और वही बात है ना कि मौला अली मौलाम का कॉल है कि ज़र्फ़ का इम्तहान शुरू होता है ताल्लुक ख़त्म होने के बाद और मैं इस पर हाईली बिलीव करती हूँ और मैंने ये प्रैक्टिकली साबित किया है कि मैंने कभी कोई जिसे कहते हैं कोई चीज़ बाउंस बैक नहीं की मेरे पास भी सोशल मीडिया था बट आई नेवर ट्राइड क्योंकि मेरी जो जिंदगी टू थाउजेंड ट्वेंटी 28. even अगर आप मजाक रात में मैं गई थी उस टाइम आई वॉज न्यूली मैरिड मैंने सबको जाके बताया था लड़कियाँ छुपा रही होती हैं मैंने सबको जाके बताया था कि जी एम मैरिड और मेरे और नो uh, डाउट no मेरे इन लॉज से मुझे कोई शिकायत नहीं है मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है जिन्होंने मुझे इज्जत दी लेकिन ये होता है कि कुछ लोगों के साथ कुछ साइकोटिकूज होते हैं बिकॉज वो uh, ज़्यादा नहीं कहूँगी लेकिन कुछ ड्रग्स uh, या कुछ लाइक uh, like, जिम के लिए भी कुछ चीज़ें लोग करते हैं ना स्टीरवाइट्स यू कॉल इट उससे भी कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स लोगों को हो जाते हैं तो देखिए मैंने तो इस चीज़ को बारे में काफ़ी पढ़ा है क्योंकि मुझे आ, इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ह्यूमन बिहेवियर और वो चीज़ें कैसे लेकिन अच्छा मैं उसमें अगेन यही कहूँगी कि हर चीज़ बर्दाश्त है लेकिन आप अपने माँ बाप के लिए गाली बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है अगर उन्होंने आपको पैदा किया है और तीसरे किसी बंदे का राइट नहीं है कि वो उनके ऊपर एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करें फॉर नो रीज़न घर की छोटी मोटी बात पर लेकिन हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि ये औरत है तो ये इसको बेयर करना है विच इज़ रॉन्ग इसके लिए मैं हाईली स्टैंड लूँगी कि किसी लड़की किसी बच्ची के साथ अगर उसके घर या ससुराल में ये हो रहा है तो छोड़ दो बेटा क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मरने के लिए नहीं जीने के लिए छोड़ा था शादी के लिए सो so, इस तरह की चीज़ें आईं और इस तरह की चीज़ें जब आती चली गई तो एक दिन ऐसा हुआ वो मैं जुम्मे की नमाज पढ़ के उठी तो मुझे एक बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं जिनसे मुझे टाइम मिला था और मैं बहुत खुश थी तो मैंने उनको बोला कि बस अभी दुपट्टा नमाज का उतारी रही थी कि मुझे जाना था तीन बजे मेरा उनसे अपॉइंटमेंट था तो उनको सामने वाले इंसान को मेरी कोई छोटी सी बात बुरी लगी और उन्होंने मैं इसलिए जो करी थी वही मेरे मुंह पे उन्होंने परी हमें <laughs> लिटरली सांस बंद हो गया था क्योंकि एक बॉडी बिल्डर से यू कैन नॉट फाइट बैक ठीक है अच्छा ये ने नो नो सॉरी आई वाज अबाउट टू अपॉइंटमेंट विद फोटोग्राफर तो आई वाज गेटिंग रेडी तो समझ गया तो उन्होंने मैं जो कपड़े आई थे वो ही उन्होंने उठा के मेरे मुंह पे कर दी और उनकी अम्मा शी वाज अ विडो एंड शी वाज अ वेरी गुड लेडी आई स्टिल रिस्पेक्ट हर कि उन्होंने मुझे बेटी बनाया बेटी समझा एंड शी वाज नॉकिंग एट द डोर और वो क्या कर सकती थी हाँ। क्योंकि मेरे चीखने की आवाज़ें बाहर तक जा रही थी और इस दिन मेरा दिल बंद होते होते रहू मैं मतलब मुंह मुंह ना जल जाए बाकी जा, सब ठीक है गर्म स्त्री थी मैं, मैं स्त्री कर रही थी और उन्होंने वो उठा अच्छा के के मेरे मैंने उनको बोला आपको कलमे भी तो हालत खराब मैंने कहा आपको कलमे की कसम देखे नमाज़ का दुपट्टा भी नहीं अभी उतारा तो खैर उनको रहम आ गया और जिस दिन ये हुआ वो उनकी आज की बात पे ये रिएक्शन दिया था पता नहीं एक दिन पहले कोई घर की कोई बात हो गई थी तो मैंने उनको बोला कि मैंने ये नहीं बोला था मैंने ये बोला था जैसे घर की छोटी-छोटी चुट हाँ। बातें हो जाती हैं वो एकदम अपने मोबाइल में कुछ करते वो उठ के उन्होंने स्त्री मेरे मुंह पर उठा ली तो मैं उस दिन डर गई थी उनसे मतलब मुझे ये लगा और वो ना हर बात पे ना मेरा गला दबा तो देते दे थे अच्छा तो हाँ तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मेरे घर पे मुझे कभी किसी ने नहीं, नहीं मारा मेरे अबू मेरे भाइयों ने मुझे कभी नहीं मारा तो मैं आई वॉज बेयरिंग दैट जो कि मेरी गलती थी फिर मेरे मामू मुझसे बहुत क्लोज हैं मेरे मामू मुझसे बहुत ज्यादा उनसीियत रखते उन्होंने मुझे बोला कि चार महीने हुए हैं अभी और तुम हो गई हो पागल तुम न्याज में आती हो तो तुम यू खड़ी रहती हो तुम्हें पता नहीं होता कि बैठना है मेरी कजन ने बोला तुम क्यों खड़ी हो मैंने कहा पता नहीं तो मतलब घर वाले नोटिस कर रहे होते हैं दैट यू आर

तो ना घर पे आए तो उन्होंने मेरे अब्बू को धक्का दे दिया और बोला थर्ड फ्लोर से नीचे फेंक दूंगा उनका दो कमरों का फ्लैट था अगर वो देख रहे हैं और वो इस पर बात करना चाहे उन्होंने तो बहुत कुछ बोला उनके आगे भी बहन है अल्लाह उन्हें खुश रखे मुझे कोई जिस दिन मेरे अब्बू को उन्होंने धक्का दिया मेरे अब्बू की ब्लू आइज़ हैं वो रोने लगे उनकी आइज़ रेड हो गई और वो ना खड़े होकर मुझे देख तो मुझे उस टाइम पर नादिर लिटरली मुझे ऐसा लगा कि मैं सामने वाले को ख़त्म कर दूँ क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर मतलब हाउ कुड यू हिट हिम He is an old man. He is a senior citizen. He is a heart patient. He is diabetic. How could you? अच्छा उन्होंने मेरे अबू ना मतलब उनको गुस्सा आ रहा है लेकिन वो, वो ना बेटी के मुंह पे कंट्रोल कर रहा है मेरी अम्मी खैर वो बीच में आई उन्होंने बोला नहीं नहीं अभी इसको जाने दो इसके कपड़े दे दो उसको अभी हम घर ले जा रहे हैं जो माएँ बेचारी क्या कर सकती हैं मतलब मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स सीधे जन्नत में जाएंगे जितने उनको मेरी वजह से सदमें मिले मेरे पेरेंट्स इस दुनिया के सबसे ग्रेट पेरेंट्स हैं आई बिलीव क्योंकि उनको नहीं पता था कि एक इकलौती बेटी उनकी लाडली इतनी और वो उनको कितनी तकलीफ देगी

वो अच्छा वो वैसे नहीं लगते थे मैं लेकिन जब उनकी वीडियो लोगों ने देखी खैर अल्लाह ताला बस मैं कहती हूँ मैंने माफ़ किया मेरा रब भी माफ़ करे मेरा साथ नहीं मुझे कहना ही नहीं कुछ मेरा रबता ही नहीं कोई अफसोस इस बात का रहा कि उन्होंने इतनी हल्के वो पढ़े लिखे थे उन्होंने इतनी गलत बातें कर दी और मैंने आज तक उनका वो वीडियो पूरा नहीं देखा क्योंकि मैं इतने ज़्यादा ट्रॉमा में चली गई थी मैं इतनी इतनी सारी दवाइयाँ खाती थी, थी मैं मतलब ऑनियर बोल रही हूँ मैं हर वक्त बस दवाइयाँ खा के सोती रहती थी तो मतलब अगेन वो सदमा भी किसको मिला अल्टीमेटली मेरे पेरेंट्स मेरे भाइयों को मिला ठीक है तो ज़िंदगी है बहुत सिखाती है लेकिन नसीब भी होता है कुछ हमारी शायद आ, लेकिन मैं समझती हूँ नादिर शादी और वो कहते हैं ना मेरी मरहूम खाला कहती थी कि शादी की रात बाहर नहीं है क़बर की रात बाहर नहीं है मतलब वो तय है वो रिटर्न है तो वो आजमाइश होती है हम तो खैर क्या पूरे उतरेंगे रब की आजमाइश पे तो बहुत बड़ा सदमा और उन्होंने जब वो वीडियो और वो चीज़ें की अल्लाह मैं तो मतलब मैं बता रही हूँ मैं टोटल मैं डॉक्टर के भी आपको नाम बता दूँ मुझे लगता है अल्लाह के बाद वो मेरे बहुत बड़े मोहसिन है डॉक्टर गालिब आगा अच्छा जी ये डॉक्टर आ, और वो, वो, आप अपने हस्बैंड को लेके जाती थी नहीं नहीं मैं खुद जाना पड़ा मुझे जब डाइवोर्स ना sorry. तो मैं बता रही मैं इतनी इतनी दवाइयाँ खाती थी और मैं बिल्कुल पागल हो गई थी मतलब अच्छा। ऐसी हो थी, खाई दवाइयां सो गई इतनी दवाइयाँ हैंडफुल दवाइयाँ मतलब मैं ऐसी हो गई थी मैं आपको बता नहीं सकती काम वाम तो बहुत परे बिल्कुल बिल्कुल खराब हो गई थी मतलब दिमागी तौर पे बिल्कुल आउट हो गई थी और मेरे घर वाले बहुत अपसेट रहते थे ऑब्वियसली फिर मेरा काफी टाइम इलाज चला तो बस ये है कि मतलब मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस मेरे भाई जो अब्रॉड में था उसको भी लोगों को ज़ाहिर है कहीं ना कहीं उसने जवाब दिए होंगे मुझे तो नहीं बताया होगा एक बात है तो मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ मुझे कोई शिकवा नहीं है लेकिन मैं सोचती हूँ कि मतलब बहुत बैक टू बैक चीजें ऐसी हो गई कि होता ना बंदा अभी खड़ा हो रहा था फिर गिर गया अभी संभला नहीं था फिर गिर गया तो ये जिंदगी है ये लोग हैं जो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं लेकिन एंड ऑफ द डे आपका अल्लाह है मतलब इन जिससे आपके कुछ डिसीजन गलत है हाँ, साबित बिल्कुल मैं मानती हूं इस चीज ये को। आप क्योंकि, क्योंकि मैं, मैं, आपको हो, मैं आपको बताती हूँ इसमें होता पता है क्या है आ, एक मिसाल देते हैं ना एक बच्चा होता है ना छोटा जब वो रो रहा होता है ना उसके सर पे कोई भी हाथ रखता है ना तो वो उसको अपना लगता है कहते हैं ना थोड़ा सा पुचकार दो तो वो बच्चा आपकी तरफ हो जाता है तो होता यह है कि एक किसी गलत चीज की वजह से जब आपको कोई आके कहता ना कि मैं आपको सारा शेल्टर दूंगा मैं आपके लिए सबसे फाइट करूंगा तो एक औरत जो है ना अल्टीमेटली वो एक बहुत कमज़ोर एक हस्ती है मैं आपको बताऊं कुदरती तौर पे उसको शेल्टर चाहिए वो मर्द की सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं है चाहे वो आपका बाप हो पहले आपका बाप होता है जो आपका शेल्टर होता है आपकी इंस्पिरेशन होती है फिर आपका भाई होता है फिर आपका शौहर होता है और बाद में आपका बेटा होता है ऐसे ही है ना ये अब आप इसको ओल्ड स्कूल बोलें कुछ भी बोलें ये मेरा माइंड है आप कितना पढ़ लें आप कितनी सक्सेसफुल हो जाए आप कितने पैसे कमा लें इस दुनिया का जो उस मेरे रब ने बना दिया है औरत को ज़रूरत है मर्द की ठीक है और मुझ पर लोग एलिगेशंस लगाते हैं इसकी शादी कामयाब नहीं हुई इसने एक से ज्यादा शादी की तुम लोगों से बेहतर हूं कम से कम मैंने शादी की मुझे कोई रिग्रेट नहीं हाँ वो मेरा नसीब था कि लोग मेरे साथ नहीं ठीक चले तो अनफॉर्चुनेटली जो मेरी करंट मैरिज है इसके बाद मेरी फॉरन एक और शादी हुई वो भी सही नहीं चल रही लेकिन अगेन अभी है अभी है जी जी करंटली आई एम मैरिड लेकिन आई एम लिविंग सेपरेट क्यों क्योंकि सेम रिपूटेशन आप जब एंटर हुए तो आप ये कह के हुए कि जो पिछले वाले बंदे ने दुख दिए मैं सब सही कर दूंगा और आप मेरे पेरेंट्स के बेटे बने हुए थे पिछले दस साल से तो इट वॉज़ नॉट माई पेरेंट्स फॉल्ट इट वॉज यू यू हैड अ ड्यूल फेस आई एम सॉरी टू से मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है मैं अभी भी उनके निकाह में हूँ सो आई रिस्पेक्ट हिम बट स्टिल माई मैरिज इज़ नॉट गोइंग रियली वेल और मेरे इन लॉज इतने अच्छे मेरे ख्याल से सगे माँ बाप जैसा प्यार उन्होंने मुझसे किया